गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीहू ऑनलाइन क्लासेस में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं AEES की वैकेंसी के बारे में। इसकी एक वीडियो मैंने कल अपलोड की थी जो थी PRT के लिए। आज ये दूसरी वीडियो है TGT के लिए। ये स्पेशल है TGT के लिए। इसमें हम बताएंगे कितनी कौन सी पोस्ट किस सब्जेक्ट में है। तो सबसे पहले हम आप सभी का शुक्रिया करेंगे कि हमारे YouTube चैनल में सब्सक्राइब किया, लाइक किया और शेयर किया। बहुत बहुत तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद। AEES, जैसा कि मैंने कल बताया था कि AEES का फुल फॉर्म क्या है, एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी। इसमें से अभी कुछ पोस्ट आई हुई हैं। टोटल तो 200+ पोस्ट हैं, पर आज TGT के लिए हम बता रहे हैं TGT में 101+ पोस्ट हैं इसमें। तो इसकी सबसे पहले हम बताएंगे एलिजिबिलिटी के बारे में। एलिजिबिलिटी इसमें क्या क्या है, आपको इसको फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास क्या क्या होना आवश्यक है। सबसे पहले तो आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे हिंदी, संस्कृत, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मतलब जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसमें से आपके पास उसकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और बैचलर डिग्री के साथ साथ उसमें ऐसा नहीं है कि बैचलर डिग्री ही केवल होनी चाहिए, उसमें आपके 50% मार्क्स तो होने ही चाहिए, क्योंकि अगर इससे कम मार्क्स हैं आपके तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो। और इसमें बीएड होना चाहिए, या किसी का बीए बीएड है, बीएससी बीएड है, मतलब बीएड बैचलर डिग्री के साथ साथ आपका बीएड भी कंपलसरी है। बीएड के साथ साथ आपका सीटेट का जो सेकंड पेपर होता है वो भी क्वालिफाइड होने चाहिए। जिसका अगर सीटेट का सेकंड पेपर क्वालिफाइड नहीं है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। एज के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी एज मैक्सिमम एज 35 ईयर्स है, यानी कि जिसकी एज 35 ईयर्स से कम है वो इसके लिए एलिजिबल है और वो फॉर्म फिल कर सकता है। फीस के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें जनरल और ओबीसी की 750 है फीस, और एससी एसटी की बात करें हम, और फीमेल्स की बारे में बात करें हम, तो इन सभी की फीस 0 है आपकी, यानी कि फीमेल्स के लिए कोई फीस नहीं है, SC ST के लिए कोई फीस नहीं है। तो इसमें गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है। सभी से हम मेरा यही रिक्वेस्ट होगी कि इसमें आप फॉर्म ज़रूर फिल करें अगर जो एलिजिबल है इसके लिए। सब्जेक्ट वाइज पोस्ट के बारे में बताएं, क्योंकि हर सब्जेक्ट की अलग अलग पोस्ट आती हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट की आई और उसी में सारे ने फिल कर दिया। इसीलिए सब्जेक्ट वाइज पोस्ट के पहले मैंने इसलिए ऐसा बताया कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए उसी सब्जेक्ट में, यानी कि जिसने अगर PCM से कर रखा है तो वो PCM के लिए एलिजिबल है, या किसी ने BA कर रखा है, हिस्ट्री ज्योग्राफी, अगर इन सभी चीज़ों के लिए जिसने बैचलर डिग्री कर रखी है वो उसके लिए एलिजिबल होगा। तो इसमें TGT इंग्लिश, जो इंग्लिश टीचर के लिए TGT की पोस्ट है वो 11 है, यानी कि इसमें केवल 11 ही पोस्ट हैं इंग्लिश के लिए। सोशल साइंस के लिए 14 है, हिंदी और संस्कृत के लिए 10 है, मैथ्स और फिजिक्स के लिए 21 है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए 7 है, और मराठी लैंग्वेज, ये भी एक भाषा है ना, इसकी भी टीचर्स अपॉइंटमेंट होते हैं, तो इसके लिए 5 है जिसको मराठी आती हो और जिसने मराठी ले रखी हो बैचलर डिग्री में। कंप्यूटर साइंस के लिए 10 पोस्ट है। TGT पेट मेल के लिए 9 पोस्ट है, और TGT पेट फीमेल के लिए 7 पोस्ट है, और TGT आर्ट के लिए 7 पोस्ट है। और इसमें एक और आई हुई है लाइब्रेरियन की, जिसने भी अगर बैचलर डिग्री लाइब्रेरी के सब्जेक्ट से कर रखा है, यानी कि एक ईयर का लाइब्रेरियन का आपका डिप्लोमा होना चाहिए और ग्रेजुएशन में भी लाइब्रेरी का एक सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके लिए 8 पोस्ट आई हैं, वो उसके लिए एलिजिबल है और उसका भी तो उसके लिए वो फॉर्म फिल कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और ये जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। अच्छे स्वास्थ्य की सभी की कामना करती हूँ। थैंक यू। मेरा आपसे निवेदन है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।